नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शुक्रवार के दिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर कल के मुकाबले आज कुछ और अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही मार्केट्स में तेजी देखने को मिल रही हो। आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर गोल्ड $1962 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, वहीं सिल्वर $25.9 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। बात करें अगर घरेलू वायदा बाजार की, तो घरेलू वायदा बाजार यानी MCX पर गोल्ड 52,000 के ऊपर है और चांदी में भी अच्छी खासी बढ़त ही देखने को मिल रही है। चांदी में भी ठीक ठाक तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। सेफ हेवन डिमांड देख रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर की फिर से निकलती नजर आई है। गोल्ड और सिल्वर की जो सेफ हेवन डिमांड है वो देखने को मिली है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में यहाँ से एक बढ़त देखने को मिल रही है। US के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो नाटो देशों के साथ मीटिंग करेंगे, जिसकी वजह से जो सेफ हेवन डिमांड है वो थोड़ी बढ़ती नज़र आई है। दरअसल सोने चांदी में हमने निचले स्तर भी देखे हैं और ऊपरी स्तर भी देखे हैं। जब से ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से कोई भी डिसीजन आ जाए किसी भी देश का, किसी ने कुछ प्रतिबंध लगा दिया या फिर किसी ने कुछ मिसाइल्स दिए, पैसे दिए यूक्रेन को, कुछ भी दिया, उसकी वजह से हमने सोने चांदी की कीमतें या फिर किसी और भी कम्युनिटी की बात करें तो सब में ही हमने वॉलेटिलिटी आते हुए देखी है। सोने चांदी में भी अभी वॉलेटिलिटी ही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि गोल्ड भी स्पॉट घरेलू वायदा बाजार में ठीक ठाक तेजी के साथ ही कारोबार करता नज़र आ रहा है। गोल्ड और सिल्वर में भी तेजी देखने को मिल रही है घरेलू वायदा बाजारों के अंदर भी। अभी जो जानकार है यहाँ से बता रहे हैं कि सोने चांदी में जिस हिसाब से तेजी निकलती नज़र आ रही है और रशिया और यूक्रेन के बीच जो बातचीत हो रही थी युद्ध विराम को लेकर, उसमें भी कोई ज़्यादा खास डिसीजन देखने को नहीं मिला है, कुछ देखने को नहीं मिला है कि ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है दोनों देशों की बातचीत के बीच कि कोई निर्णय निकल के सामने आया हो या फिर युद्ध रुका हो। तो ऐसे में फिर से जानकारों द्वारा या फिर कह सकते हैं कि मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोने चांदी फिर से उछल सकता है। तो अब यहाँ से सोने चांदी में आगे क्या करके चलना सही रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी शुक्रिया रूपा जी। देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर आज फिर से तेजी की ओर है कल के मुकाबले, आज देख रहे हैं सोने चांदी में और ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। आपको यहाँ से क्या लगता है, अब क्या सोना चांदी यहाँ से अब धीरे धीरे, जैसे $1960 जा चुका है, तो क्या 1980 या फिर से $2,000 होने वाला है? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि सोने और चांदी के अंदर तेजी का ही रुझान है और इसमें बाइंग नहीं रहना चाहिए। और आप देखिए 1940 के बाद अब $1960 के ऊपर सस्टेन करता हुआ फिलहाल मार्केट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मानकों के लिए कि $1980 एक अहम सपोर्ट रहेगा, ऊपर में अगर उसको ब्रेक कर देता है तो आपको $2,000 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो अभी कहीं से उसमें सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि जानमाल की हाली होती हुई नजर आ रही है और इसका असर सीधा सीधा सभी मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा असर सोने और चांदी की कीमतों पर आगे चलकर दिखने को मिल सकता है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक मार्केट पर आज सोना जरूर हल्की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विदेशी बाजारों में एक अच्छी तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है और आज एक्सपेक्टेड है कि 52,200 से लेकर 52,400 की रेंज डोमेस्टिक मार्केट में भी सोने में देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, US प्रेसिडेंट जो बाइडन नाटो देशों के साथ मीटिंग करेंगे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मीटिंग के बाद भी अगर कुछ भी डिसीजन होता है तो सोने चांदी की कीमतें एज इट इज रहेंगी या फिर वॉलेटिलिटी तब भी रहेगी? देखिए, अभी का ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो मार्केट तेजी की तरफ है। आगे क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन अभी सेफ हेवन डिमांड निकल रही है जिसकी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि सोना अपसाइड मोमेंटम में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक महीने के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसके अंदर तेजी बनी रह सकती है। जी ये सर जी, बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में भी देख रहे हैं ठीक ठाक तेजी बनती नजर आ रही है। कल को हमने क्रूड ऑयल को $121 से $122 तक जाते हुए देखा था, आज देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $118 पर है, WTI $112 पर है।
रूपा जी, कच्चे तेल में देख रहे हैं फिर से तेजी लौटी है, लेकिन आज कुछ हल्की सी ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब कच्चे तेल को 120 डॉलर का सपोर्ट मिल चुका है, या और कच्चे तेल 130 या 140 डॉलर भी दिखा सकता है लेवल्स? देखिए, अभी जहां तक कच्चे तेल की बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य यूरोपीय लीडर्स के ने रूस के खिलाफ कुछ प्रतिबंध लगा दिए, जिसके बाद से लगातार हम फिर देख रहे हैं कि क्रूड में एक उछाल जारी हुआ है और क्रूड अभी 112 डॉलर के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। यहाँ से 120 से 122 डॉलर की फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और हमें लगता है कि कच्चा तेल यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में भी अपसाइड मोमेंटम में बना रह सकता है। और आज जरूर 1 से 1.5% की गिरावट है और नीचे में 8540 के आसपास मिले तो वहां पर 8540 से 20 की रेंज में बाइंग किया जा सकता है। ऊपर में एक्सपेक्टेड है एक बार 8640 से 8680 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये सर ऊपर जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कॉपर और निकल में आज तेजी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है वो कौन कौन से बेस मेटल्स होंगे जो आगे जाके फ्यूचर में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं? देखिए, कॉपर अच्छा लग रहा है, यहाँ से कॉपर में तेजी है। जिंक देखिए आप, आज जिंक में भी 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिली है। मैंने पहले भी बताया था कि जिंक में अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम है और ये तेजी की तरफ जा सकता है। कॉपर, जिंक, निकल ऑलरेडी तेज हो चुका है, निकल को छोड़ दे तो एल्यूमिनियम भी काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से एल्यूमिनियम भी 300 के पार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल बेस मेटल पैक के अंदर तेजी का रुझान है। निकल ओवरबोट हो चुका है, निकल को छोड़कर बाकी सभी कमोडिटीज मुझे लगता है कि बेस मेटल में तेजी की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। कॉपर 840 से 860 की रेंज में सस्टेन कर सकता है। जी, ये सर ऊपर जी बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में देख रहे हैं 5.3 डॉलर्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है, आधे फीसदी की करेक्शन है। रूपा जी, हमने नेचुरल गैस में भी काफ़ी तेजी आते हुए देखी है अचानक से, आपको क्या लगता है क्या नेचुरल गैस में जो तेजी है कायम रहेगी या फिर जो मुनाफा वसूली बनी है ये और एक्सटेंड हो जाएगी? देखिए, अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसका असर एनर्जी सेक्टर पर काफी पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते कच्चा तेल, नेचुरल गैस सभी में तेजी का रुझान बना है। और अभी भी नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो रेनबाउंड हो सकती है 400 से लेकर 420 तक अपसाइड मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं होती तब तक एनर्जी के अंदर तेजी बनी रह सकती है। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देने चाहेंगी आप नॉन एग्री कमोडिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन? देखिए, मुझे लगता है कि कॉपर में बाइंग करा जा सकता है, कॉपर 840 से 860 तक ऊपर जा सकता है। वहीं गोल्ड और सिल्वर में भी तेजी का रुझान है और देखा जाए तो गोल्ड 52,200 तक जा सकता है और सिल्वर 70,000 के पार जाती हुई दिखाई दे सकती है, तो इन कमोडिटीज के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, आने वाला कारोबारी सप्ताह नॉन एग्री कमोडिटीज के लिए कैसा साबित हो सकता है? देखिए, आने वाले अगले सप्ताह में भी फिलहाल पॉजिटिव ही रुझान दिखाई दे रहा है। जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं होती तब तक सभी बेस मेटल हो, चाहे फिर कच्चा तेल या फिर सोना चांदी, उसमें तेजी का रुझान बना रह सकता है, यानी कि करेक्शन छोट छोट आ सकती है और उस करेक्शन के अंदर आपको फिर से बाइंग पोजिशन में रहना चाहिए और पॉजिटिव मार्केट जो है वो सस्टेन कर सकता है। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ता अगर देखा जाए तो सोना जो है वो 1980 डॉलर तक ऊपर में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमिटीज की।